इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कौन सा है, बी राइट एंगल है, तो बी बना दो 90 डिग्री, तो बी बना 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं, दिए में नहीं है, मैंने बनाए हैं। क्यों बनाए दो? क्योंकि इसमें साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है, साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। जब भी आपको साइन भी पूछे, साइन ए भी पूछा और साइन सी भी पूछा, तो दो डायग्राम बनाओगे थोड़ा और इजी रहेगा, वरना एक डायग्राम से भी आप काम कर सकते हो। यहां पर बोला है कि बी जो है वो 90 का, ये रहा बी 90, वो रहा बी 90। इसने बोला ए बी 24 है, तो ये रहा ए बी 24, उधर भी ए बी है, ए बी कितना रहेगा 24। नेक्स्ट है बी सी देर का है 7, ये रहा 7 और यहां पर ये रहा 7। अब हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो साइन का मतलब पी अपॉन एच और कॉस का मतलब बी अपॉन एच, एच तो है ही नहीं इसमें, एच हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। एच फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये मुझे ए सी फाइंड करना है, मुझे ए सी का स्क्वायर क्या करना है फाइंड करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए सी फाइंड करना है, ये वाला लाइन ये और ये लेंगे हम, क्या आएंगे ध्यान देना यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे लेना। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन ए बी है एंड कॉस सी बी है, अब मुझे पता कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, क्योंकि थीटा के हिसाब से ये बेस और वो परपेंडिकुलर, और थीटा यहां पर है तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, और थीटा यहां पर है तो ये आपका बेस है और सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर। तो अभी आप ऐसे लगा दो सिंपल कि मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, करो ऐड और सॉल्व करो। देखो ए बी कितना 24, बी सी कितना 7, 24 × 24 576, 7 × 7 49, दोनों को ऐड कर लो 625, और ये है आपका एसी का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और किसका है 25 का है, टुकड़े कर लेना, 5 5 5 का डिवाइड करोगे तो 5 बार आएगा, 5 5 5 जोड़े बन जाएंगे दो दो के, तो 5 × 5 और 25, ये आपके एसी आ चुका है जिसको हम बोलते हैं एच, जो कितना आया 25, 90 के सामने हमेशा एच ही रहता है, और वो कितना आया आपके 25। और मुझे यहाँ पर दो पॉइंट फाइंड करने हैं, ये दोनों, एक तो मुझे फाइंड करना है साइन ए और एक मुझे फाइंड करना है कॉस ए। ए बोला है तो ए को ध्यान रखते हुए, ये रहा ए इधर, इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ, तो हमें बताओ साइन का मतलब क्या होता है, बताओ साइन का मतलब पी अपॉन एच और इसका मतलब, अब पी कितना, पी आपके 7 और एच कितना, यहाँ बी अपॉन एच 24 अपॉन, ये हो गया दोनों फाइंड कर लिया हमने, जो पहले गायब है वो ज्ञात करो फिर ऐसे ज्ञात कर लो। अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या दिया हुआ है साइन सी एंड कॉस सी, इनका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है पी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच, पी कितना है यहां पर 24 अपॉन 25 और बी कितना है यहां पर 7, एच कितना है, साइन ए से साइन सी होने में केवल बी और एच चेंज हो जाते हैं, बी और पी चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, देखो सेम ही जो यहाँ लिखा सेम वहां लिखा, बस वो एंगल चेंज होने के कारण बी पी बन जाता है और पी बी बन जाता है, तो ये वाला यहाँ चल जाएगा ये वाला यहाँ आ जाएगा, सेम ही होंगे दोनों।